गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी। आज का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 23 है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। कंटेंट की बात कर लेते हैं। आज का जो कंटेंट है वो है सुपर कंडक्टिविटी। आज हम सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने जो लेक्चर में पढ़ा था वो कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं और इंसुलेटर के बारे में, सेमी कंडक्टर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आप आज सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जानने वाले हैं और इसके बाद चैलेंज की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट चैलेंज होगा जो आपको कंपटीशन लेवल, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होगा। आप उसको तैयार कीजिए। सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन मटेरियल्स बिकम्स ज़ीरो एट वेरी लो टेम्परेचर। हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पढ़ा था। जो इंसुलेटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है, जो उसका मटेरियल होगा, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो उसको क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। जिस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। और इसी फिनोमेना को, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सेकंड जो पॉइंट है वो है, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ओन्स, के ओन्स इन 1911। ये 1911 में ऑब्जर्व किया गया था। किसके थ्रू? के ओन्स के थ्रू। ये 1911 में ऑब्जर्व किया गया था सुपर कंडक्टिविटी होती है, एक सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। ये 1911 में बताया था के ओन्स ने। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। मरकरी विल एक्ट्स एज सुपर कंडक्टर एट अ टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन। जो मरकरी होती है वो एक्ट करती है एज अ सुपर कंडक्टर। अब मटेरियल्स बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं लेकिन सारे के सारे सुपर कंडक्टर तो है नहीं, तो एक मरकरी है जो सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करती है, लेकिन उसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन होना चाहिए। अगर उसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन होगा तभी मरकरी जो है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। मीन्स उसका जो टेम्परेचर होगा वो, सॉरी, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा 4.2 केल्विन पे। चैलेंज की बात करते हैं। अब आपका जो चैलेंज होगा वो है चैलेंज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। आपको मैंने पहले लेक्चर में आपको कंडक्टर भी बता दिया है, अब सुपर कंडक्टर भी बता दिया है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको ये वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो कंडक्टर वाला लेक्चर देखिए और पता कीजिए जो सुपर कंडक्टर है और कंडक्टर है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए कि उन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया हो। और ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बने रहिए एमटीसी मोहसिन के साथ। इसी तरीके से हम फिज़िक्स के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे आसान तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।